नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अपने गांव के जमीन का नक्शा डाउनलोड और प्रिंट करना सीखेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा भू मानचित्र का। ये जो भू मानचित्र है, इस आइकन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिहार आ चुका है और बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये मानचित्र का जो है यहाँ पर आइकन भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो मैप है, मैप इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ आ जाएगा सर्च एंड व्यू मैप, तो इस बटन पर जो है सर्च एंड व्यू मैप पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ऐसा खुलकर आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एरिया टाइप अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे रूलर है, यानी आप ग्रामीण से हैं, ग्रामीण है तो आप रूलर सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर म्यूनसिपल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हैं तो हम यहाँ पर जो है रूलर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आता है रेवेन्यू थाना। यहाँ पर आपको रेवेन्यू थाना जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर जो मौजा है, इस मौजे को दोस्तों इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर दोस्तों सभी मौजा का जो है, यहाँ पर आपका जो है नाम आ जाएगा सभी मौजा का। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, अपना पहले जो है वो मौजा जो है अपना वो सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, एरिया टाइप, डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू थाना और मौजा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरीके का आ जाएगा खुलकर। देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर है, सर्वे टाइप है, सीट नंबर है। यहाँ पर देखिए ये जो है सबका नक्शा आ जाता है। और मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि जो भी आपके गांव का जो है ज़मीन के नक्शा होगा, तो सभी नक्शे में दोस्तों यहाँ पर जो है एक जो है चादर होता है, या फिर बहुत जगह इसे हम पट्टी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले पता करना है कि आपका जो ज़मीन है वो आपके नक्शे में, गांव के नक्शे में किस चादर या फिर पट्टी में आता है। तो जैसे दोस्तों यहां पर देखिए चादर 1 है, चादर 4 है, चादर 2 है, यहां पर जो आ रहा है। दोस्तों, अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, पहले चादर पता कर लेना है यानी पट्टी, और इसके बाद आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप जो नक्शा सेलेक्ट किए थे, यहाँ पर यूजर फोटो यानी नक्शा जो है नहीं आ रहा है, उसका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ये जो दिख रहा है क्लिक हेयर टू व्यू मैप, आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू व्यू मैप पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जमीन का जो भी नक्शा मैंने सेलेक्ट किया था वो हमारे सामने जो है ऐसा खुलकर आ चुका है। आप चाहे तो उसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस साइड में जो है पूरा डिटेल मिलेगा, थाना नंबर है, राजस्व थाना है, और भी बहुत सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, ये कुछ आइकन आपको दिखाई देगा और इस आइकन के बगल में लिखा रहता है कि ये कौन सा आइकन का क्या मतलब है। और यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो है ये ज़मीन का नक्शा जो है निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों, चाहे तो आप इसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, या अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो ये भी आप जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं ये काम या फिर मोबाइल से कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों मैं ये लैपटॉप से अभी कर रहा हूँ, तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, तो इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, और प्रिंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है तो है दोस्तों, आप यहाँ पर जो है सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके और सेव पर जैसे क्लिक कीजिएगा, ये जो आपका नक्शा है दोस्तों वो जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जहाँ मन तहाँ जो है उसे आराम से प्रिंट करवा सकते हैं और अपना दोस्तों नक्शे को देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल से ऑनलाइन ज़मीन का जो है नक्शा बड़ी आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।